फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 27 चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए 28 चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लुशाओ कहता है, चूये मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा कर सकते हो। ये सुन के चूये लुशाओ को हक कर लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, आज सुबह जो कुछ मैंने कहा मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के लुशाओ कहता है, ऑल राइट, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं किया? ये सुन के चूहे सोचता है, क्योंकि मुझे भी डर है कि तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 28 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में चूहे कहता है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। लुशाओ कहता है, क्या? फिर चूहे कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ये सुन के लुशाओ चूहे को किस कर लेता है। दोनों एक डीप किस करते हैं। तभी लुशाओ ब्लश करते हुए कहता है, एक्चुअली मैं स्ट्रेट नहीं हूँ, मेरा मतलब है मैं कभी भी स्ट्रेट नहीं था। ये सुन के चूहे कहता है, मैं जानता हूँ। लुशाओ कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? चूहे कहता है, मैं कभी भी गे लड़कों को डिटेक्ट करने में फेल नहीं हो सकता। ये सुन के लुशाओ कहता है, तो तुम्हें कब से पता है कि मैं गे हूँ? चूहे कहता है, उस दिन से जब मैंने तुम्हें बार के कॉरिडोर में हक किया था। ये सुन के लुशाओ कहता है, तुम जानते थे मैं गे हूँ, पर फिर भी तुम मेरे और लक्ष्य के रिलेशनशिप को लेकर सस्पिशियस थे। चूहे कहता है, तुम बार बार अपनी सेक्सुअलिटी डिनाई करते रहते हो, ऐसे तो मुझे लगा कि तुम सच में स्ट्रेट गाय हो। ये सुन के लुशाओ चूहे को घूर घूर के देख रहा होता है। फिर वो दोनों कैफे में आ जाते। चूहे कहता है, चलो थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करते, अगर तुम थक गए हो तो तुम थोड़ी देर सो जाओ। तभी लिंक्शो कहती है, अभी अभी मुझे बिग ब्रो का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि वो कैफे में है, क्या वही तो नहीं? ये सुन के यानके कहता है, हाँ शायद लग तो वही रहा है। लुशाओ सो जाता है। तभी लिंक्शो और यानके वहाँ आते। उन दोनों को देख कर चूहे कहता है, लुशाओ सो रहा है। तभी लुशाओ उठ जाता है और कहता है, ओ क्या लिक्शो आ गई? तभी चूहे कहता है, क्या तुम दोनों ने मज़े किए? लिक्शो कहती है, हाँ बहुत मज़े किए। ये सुन के चूहे कहता है, सुनकर अच्छा लगा, बाद में मैं तुम सबको डिनर के लिए ट्रीट करूँगा। तभी सुनने लुशाओ उठते हुए कहता है, तुम कुछ और देर क्यों नहीं खेलते? जाओ जाके अंडर वाटर टनल देख के आओ, तुम्हें मज़ा आएगा। लिंक्शो हंसते हुए कहती है, नहीं अभी बहुत देर हो चुकी है और अंधेरा भी हो रहा है। तभी चूहे कहता है, मैं जाके कार लेके आता हूँ, तुम लोग सब पार्क एड्रेस तक आ जाओ। ये कह के चूहे वहाँ से चला जाता है। लिंक्शो कहती है, बिग ब्रो क्या तुम चूहे को डेट कर रहे हो? ये सब के लुशाओ थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपनी मम्मी सोचता है, अब मैं क्या कहूँ? क्या मैं झूठ कहूँ या सच? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लिंक्शो मेरी वजह से बुली हो। अगर उसकी हालत लेनियों की तरह हो गई तो नहीं, मैं लिंक्शो के साथ ये सब नहीं कर सकता, मैं ये सब होने ही नहीं दूंगा। पर वो मेरी इकलौती फैमिली है, मैं उससे झूठ भी नहीं बोलना चाहता। तभी लिंक्शो कहती है, बिग ब्रो क्या तुम एम्बेरस हो मुझे बताने में? तो तुम सच में उसे डेट कर रहे हो? पर बिग ब्रो वो बहुत रिच है, तुम डेफिनेटली उसकी वजह से बुली हो जाओगे। ये सुन के यानके कहता है, तुम्हें इसकी चिंता हो रही है? ये सुन के लिंक्शो गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुन के यानके कहता है, ऑफ कोर्स है, लुशाओ मेरा फ्रेंड है। लुशाओ भले ही तुम्हें मैन पसंद हो, पर तुम्हें चूहे से अच्छा चॉइस नहीं मिला। चूहे एक प्ले बॉय की तरह है, शायद तुम्हारे अलावा कोई और भी होगा। ये सुन के लुशाओ कहता है, क्या तुम लोग इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हो कि मुझे मेन पसंद है? ये सुन के दोनों ही यस कहते हैं। लिंक्शो कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मैन या वुमेन को पसंद करते हो, तुम मेरे बिग प्रो हो, मुझे तो बस इतनी चिंता है कि तुम उसकी वजह से बुली ना हो जाओ। और क्या उसे तुम्हारे पास के बारे में पता है? ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।
So till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.